बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। ऑडियंस रानी मुखर्जी और सैफ अली खान, सिद्धांत चतुर्वेदी और शार्वरी बाग स्टारर रोम कॉम बंटी और बबली 2 को लेकर मिक्स रिएक्शंस दे रही है। कुछ लोगों को ये मूवी काफी अच्छी लगी है और वो कह रहे हैं कि ये मूवी तो शॉट शॉट हिट है, तो वहीं कुछ लोगों को सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की केमिस्ट्री काफी पसंद आई है बड़े पर्दे पर। उनका कहना है कि वो इतने सालों के बाद रानी और सैफ को बड़े पर्दे पर देखकर उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए थिएटर्स तक पहुँचे हुए थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि किस तरह से फिल्म का फर्स्ट पार्ट तो काफी ब्रिलियंट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई इम्पैक्टफुल नहीं बन पाई है। बंटी और बबली को लेकर सिर्फ अच्छे कमेंट्स ही नहीं है, बल्कि बहुत से नेगेटिव रिव्यूज भी लोगों ने दिए हैं। एक फैन ने कहा है कि किस तरह से फिल्म के सीक्वल बनाने का आइडिया तो परफेक्ट था, लेकिन एग्जीक्यूशन बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं किया गया है। दूसरी तरफ कहा गया है कि ये तो सुला देने वाली मूवी है। ऑडियंस ने ट्विटर पर कहा है कि किस तरह ये मूवी काफी बोरिंग है और ऑडियंस को इंगेज रख पाने में बिल्कुल ही फेल होती है। एक वॉचर ने तो ये भी कहा है कि किस तरह से अगर आपको पैसे भी मिले तो ये मूवी देखने नहीं जानी चाहिए। ट्विटर पर लोगों ने क्या रिएक्शन दिया है, आइए आपको बताते हैं। वन यूजर रोट, वॉच्ड बंटी और बबली 2 फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बंटी और बबली 2 रिव्यू गुड, रेटिंग 4 स्टार, शॉर्ट शॉर्ट हिट। Acting सैफ अली खान गुड, रानी मुखर्जी गुड। YRF powerful script. It is clear from this tweet that this person has liked this movie. Another one also liked the movie and said, "It is not that I was a big fan of Banti aur Babli. I'm just going for the love of Rani and Saif coming together after years. I love their pair so much in Banti aur Babli 2." Another one said, "Banti aur Babli 2 disappointing. First part is brilliant, but this one is failed to impress. Nothing good in this movie." Another one said, "Banti aur Babli 2. Idea was perfect for a sequel, but boring narration does not work well for the movie." Banti aur Babli 2 one word review: snooze fest that fails to engage or entertain. Don't watch even if paid for it. Banti aur Babli 2 looks like one of those made for VOD sequels that would not be worth seeing in theaters, headlined by a guy whose major work now happens on OTT. तो इस तरह से लोगों ने ट्विटर पर बंटी और बबली 2 का रिव्यू दिया है। अब बात करेंगे ओरिजिनल फिल्म की। बंटी और बबली में सबसे पहले रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन मेन लीड में नजर आए थे। इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन का एक सॉन्ग भी था, कजरारे, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था और लोग आज भी इस गाने को याद रखते हैं। इसके अलावा फिल्म के सॉन्ग भी काफी अच्छे थे और लोगों की जबान पर आज भी याद है। अब बात करते हैं सीक्वल की। बाकी सारी स्टार कास्ट तो नहीं, लेकिन सीक्वल में रानी मुखर्जी ने अपना रोल कायम रखा है। सैफ अली खान ने अभिषेक बच्चन को रिप्लेस किया है, तो वहीं पंकज त्रिपाठी अमिताभ बच्चन का रोल लेते हुए नजर आए हैं। वेल, ट्विटर पर बंटी और बबली 2 को मिले रिव्यू के बाद क्या आप इस मूवी को देखने जाएंगे? कमेंट्स में हमें बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप इस ट्विटर रिव्यू के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।